खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल टेढ़वा चिलौला लखीमपुर बाईपास सीतापुर। Mother's Pride Public School helps children grow from strength to strength in all-rounded manner, so that their journey can be grounded in knowledge, attitude, skills, social values and moral values. Because MPPIans love our school, they do better in every aspect of their education. Admissions open at Mother's Pride Public School, where dreams come true. My classroom is a window to the world, where the walls echo with questions and answers, shaping my mind. That spark curiosity. And knowledge builds the foundation of my dreams. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर के लाल का यूपीएससी में हुआ चयन, हासिल की 571वीं रैंक, और बात होगी सीतापुर में वृद्ध जोड़े की शादी बनी चर्चा का सबब। फिर बात करेंगे सीतापुर में स्वीप सेल ने किया युवा सांसद का आयोजन, श्रुति तिवारी को मिला पहला पुरस्कार। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे एक बार फिर सपा और कांग्रेस में अनबन होने की चर्चाएं गर्म, लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर का पुलिस बल गैर जनपद में चुनाव कराने के लिए हुआ रवाना, एसपी ने पढ़ाया पाठ। सीतापुर में स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल की तैयारियों का अधिकारियों ने लिया जायजा। सीतापुर पुलिस ने हासिल की एक और बड़ी सफलता। सीतापुर की चीनी मिलें बंद करने की तैयारियों पर भड़के किसान, नेता ने बड़ी आंदोलन की दी चेतावनी। दौरारा लोकसभा प्रत्याशी नोट बांटते कैमरे में हुए कैद। लखीमपुर में फर्जीवाड़े से कॉलेज में नौकरी पाने का मामला उजागर, केस हुआ दर्ज। मंत्री के सामने भिड़े भाजपाई, खूब चले लात घूसे वीडियो हुआ वायरल। कांग्रेस के पूर्व विधायक ने समर्थकों के साथ छोड़ी पार्टी, भाजपा में हुए शामिल। खबरों की शुरुआत हम जनपद सीतापुर की खबरों से करेंगे। आज के खबरनामे में सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात करते हैं जिले के एक लाल की, जिसने यूपीएससी की परीक्षा में सफलता का डंका बजाकर जिले को गौरवान्वित किया है। मछेटा ब्लॉक के ग्वाली गांव के रहने वाले होनहार यशवर्धन सिंह चौहान ने यूपीएससी परीक्षा में 571वीं रैंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। शिक्षाविद परिवार से निकले 22 वर्षीय यशवर्धन सिंह चौहान, यशवर्धन सिंह ने पहले डिफेंस सर्विसेज की तैयारी की, वहां से असफलता मिलने के बाद वह सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की और पहले ही प्रयास में यूपीएससी परीक्षा में सफलता अर्जित कर परिवार व जिले का नाम रोशन किया। आपको बता दें यशवर्धन सिंह पितर रवि शरण सिंह चौहान और माता डॉक्टर अर्चना सिंह इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर तैनात हैं। सीतापुर में एसपी चक्रेश मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस बल द्वारा अपराधियों के विरुद्ध अभियान छेड़ा गया। अब इस अभियान में पुलिस को एक और बड़ी सफलता हासिल हुई है। बिश्वा सीओ उदयराज सिंह के नेतृत्व में थाना तंबौर के पुलिस बल ने कार्रवाई करते हुए अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस टीम ने तंबौर के काजी टोला निवासी शातिर अपराधी असीब उर्फ टेबू पुत्र मतीन को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने मौके से 16 बने और अधबने असलहे, कारतूस और असलहा बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। पकड़े गए अपराधी के ऊपर पहले से कई मुकदमे कायम होने की बात कही गई है।
सफलता हासिल करने वाली इस टीम में एसआई जयकृष्ण तिवारी, मुख्य आरक्षी सर्वेश कुमार तथा आरक्षी राजेश यादव और सुधीर कुमार शामिल रहे। कहते हैं प्यार की कोई उम्र नहीं होती, प्यार उम्र के किस पड़ाव पर और कब किससे हो जाए कहा नहीं जा सकता। ऐसा एक मामला सीतापुर से सामने आया है, इसकी जमकर चर्चा हो रही। दरअसल आपने 60 वर्ष का दूल्हा दुल्हन 55 साल की जैसी बात तो सुनी होगी, आइए हम आपको 70 साल की दूल्हा और दुल्हन 70 साल की से मिलाते हैं। मामला सीतापुर के सांडा सकरन इलाके का है। बिस्वा क्षेत्र निवासी 70 वर्षीय मनोहर लाल बाबा अपने आगे पीछे कोई ना होने के कारण बिस्वा के गढ़वा डी स्थित एक आश्रम में रहते हैं। करीब एक साल पहले 70 वर्षीय राम देवी भी भटकते भटकते इसी आश्रम में आ गई। दो बेसहारा मिले तो एक दूसरे का दुख साझा करना शुरू किया। जान पहचान प्रेम के धागों से मजबूत हुई, जिसके बाद दोनों ने शादी करके हमसफर बनने का फैसला कर लिया। इसकी जानकारी जब क्षेत्र के ग्रामीणों को हुई तो उन्होंने पूरी तैयारी के साथ दोनों बुजुर्गों की शादी करा दी। शादी के बाद दोनों इसी आश्रम में रहेंगे। वैसे तो कुत्ता और बंदर की दुश्मनी जग जाहिर है, दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं, लेकिन कहते हैं प्रेम प्यार कब किसको किससे हो जाए और दुश्मन दोस्त बन जाए कहा नहीं जा सकता। कुछ ऐसा ही मामला सीतापुर में कसमंडा ब्लॉक के पतारा खुर्द गांव में देखा जा रहा है। यहां पर एक लंगूरी बंदर और कुत्ते की दोस्ती इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। यह कुत्ता और बंदर घंटों आपस में खेलते रहते हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी, चिराग तले अंधेरा। सीतापुर का कसमंडा ब्लॉक इस कहावत को चरितार्थ कर रहा है। ब्लॉक क्षेत्र में 100 से अधिक पंचायत सफाई कर्मियों की तैनाती होने के बावजूद ब्लॉक परिसर अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। ब्लॉक परिसर में उगी झाड़ियां यहां बैठे जिम्मेदारों की पोल खोल रही हैं। इसी के साथ जब ब्लॉक मुख्यालय का ये हाल है तो ग्राम पंचायतों का क्या हाल होगा, सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। सीतापुर पशु सेवा समिति के तत्वाधान में गौ कृपा रसोई संचालित की जा रही है। इसका संचालन विजय सेठ ने अविनाश अग्रवाल को रसोई का उप आयोजक मनोनीत किया है। विजय सेठ ने बताया कि यह मनोनयन अविनाश अग्रवाल के अहम योगदान को देखते हुए किया गया है। बता दें गौ कृपा रसोई सीतापुर जिला अस्पताल के पास संचालित होती है और यह जरूरतमंदों को मात्र 20 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराती है। यह सिलसिला पिछले 480 दिन से लगातार चला आ रहा है। सिधौली में नगर पंचायत, शिक्षा, राजस्व और पुलिस विभाग द्वारा महिलाओं द्वारा संयुक्त मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली नगर पंचायत से शुरू होकर नगर भ्रमण करने के बाद वहीं पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष गंगाराम राजपूत, नायब तहसीलदार आलोक कुमार सिंह, शशिवाला बीओ संजय कुमार, एसआई आस्था शर्मा, अधिशासी अधिकारी रेणुका यादव, शालिनी सिंह भदौरिया, आरडी वर्मा, सेवक राजपूत मौजूद रहे। सीतापुर के कमलापुर में परंपरागत ढंग से डॉक्टर अंबेडकर जयंती के एक दिन बाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज सुधार समिति द्वारा यह कार्यक्रम नहर चौराहा के समीप लगी बाबा साहब की प्रतिमा के पास आयोजित किया गया। इस दौरान संगीतमय भजन कीर्तन प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उनके योगदान को याद किया। इस दौरान समिति अध्यक्ष हर्ष कुमार, रसिक उजागर, लाल गौतम, लवलेश कुमार, कमलेश कुमार, विनय कुमार सिंह और सुंदर लाल गौतम मौजूद रहे। लखनऊ के बक्सी तालाब स्थित एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में एक बार फिर सक्षम जॉब फेयर के नाम से बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। ग्रुप निदेशक तथा सीतापुर एमएलसी पवन सिंह चौहान ने बताया कि रोजगार मेले में 100 से अधिक नेशनल और मल्टी नेशनल कंपनियों द्वारा 3000 पदों के लिए साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। सीतापुर में निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा मिले बंद करने की तैयारी की जा रही है, इससे किसान संगठन नाराज है। किसान नेता धीरज सिंह ने आरोप लगाया है कि चीनी मिलों द्वारा एक ही डेट की 4 पर्चियां जारी करके मिले बंद करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने बताया अगर किसानों को समस्त गन्ना खरीदे बिना किसी चीनी मिल ने अपने क्रय केंद्र बंद किए तो भारतीय किसान मजदूर संगठन किसानों के हक में बड़ा आंदोलन करेगा। सीतापुर से सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर का चुनाव प्रचार गति पकड़ता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में लहरपुर में विधानसभा क्षेत्र कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन प्रत्याशी राकेश राठौर ने किया। इस दौरान विधायक अनिल वर्मा, सपा जिला अध्यक्ष छत्रपाल यादव, जहीर अब्बास, अनुपमा द्विवेदी, विनीता राजवंशी, कन्हैया मेहरोत्रा, सुहेल खान, भागीरथ मौर्या, ब्रह्म प्रकाश, दानिश सिराज, मिराज महबूब, वसीम खान और शोभित मिश्रा मौजूद रहे। महर्ष दधीच की नगरी मिश्रिक में तीर्थ पर स्थित मां अष्टभुजा मंदिर में श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ा। चैत्र नवरात्र की अष्टमी पर देवी मां के 8वें स्वरूप माता महागौरी का पूजन अर्चन किया गया। यहां पर मान्यता है कि जब महर्ष दधीच देवताओं को अपना अस्थियां दान दे रहे थे
तब उन्होंने माता के दर्शन की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद माता ने अष्टभुजा रूप में आकर दर्शन दिए थे। तब से यहाँ पर माता अष्टभुजा स्वरूप में विराजमान है। माना जाता है नवरात्र में माँ अष्टभुजा के साथ महर्षि दधीच का दर्शन पूजन करने से परम फल की प्राप्ति होती है। सीतापुर के खैराबाद के अंतर्गत सलेमपुर अली रजा में सफाई व्यवस्था बदहाल है। महीनों तक सफाई कर्मचारी के न आने से पूरा गांव कूड़े का ढेर बना हुआ है। जगह जगह नालियां बदबजा रही हैं और लोग अपने हाथों से सफाई करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों में इसे लेकर नाराजगी भी है। कई बार इस समस्या से ब्लॉक के अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन मामला वही ढाक के तीन पात वाला बना हुआ है। सीतापुर लोकसभा सीट से सांसद और तीसरी बार भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा के समर्थन में जनसंपर्क अभियान जारी है। इसी कड़ी में तंबौर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष झब्बन बेग ने अपनी टीम के साथ क्षेत्र के तारा पारा, सुमरावा, ऊंचा गांव और अद्वारी आदि में जनसंपर्क किया और राजेश वर्मा के लिए वोट मांगे। इस दौरान संजय ठेकेदार, जयम खान, कामरान ठेकेदार, हफीज खान, शाहनवाज खान और मनोज मौजूद रहे। कसमंडा के पार्वती विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसे कार्यवाहक प्रधानाचार्य सत्य प्रकाश सिंह ने संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वोटिंग के दिन हर एक गांव के लिए स्काउट और गाइड की टोलियां बनाई जाएंगी, जो घर घर जाकर लोगों को वोट का महत्व तो बताकर मतदान के लिए प्रेरित करेंगी। इस कार्यक्रम में अंकित सिंह, नंदराम और ग्रामीणों सहित कई स्काउट गाइड तथा विद्यार्थी मौजूद रहे। सीतापुर के नवीन चौक स्थित सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मंगलवार को चुनावी माहौल रहा। यहां के विद्यार्थियों के बीच विभिन्न पदों के लिए चुनाव आयोजित किए गए। इस दौरान कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों ने स्कूल काउंसिल के विभिन्न पदों पर अपने मनपसंद प्रत्याशियों का चुनाव किया। इस मौके पर कक्षा प्रतिनिधि, हेड बॉय, हेड गर्ल, हाउस प्रीफेक्ट और स्पोर्ट कैप्टन के पदों पर चुनाव कराया गया। इससे पहले विद्यालय चेयरमैन ओम प्रकाश सिंघानिया ने विद्यार्थियों को लोकतंत्र मतदान की प्रक्रिया और उसके महत्व से अवगत कराया। महमूदाबाद ब्लॉक के समनापुर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक संकुल बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए बीओ सीमा चौहान ने विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने और लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में बताया। इस दौरान संदीप वर्मा, विजय प्रताप वर्मा, प्रधानाध्यापक शकील अहमद, आशीष वर्मा, सबनम वर्मा, ममता वर्मा, उमेश वर्मा, अर्चना वर्मा, अबू बकर और उत्कर्ष द्विवेदी मौजूद रहे। चैत्र नवरात्र की अष्टमी के अवसर पर सीतापुर की तीर्थ नगरी नैमिषारण में देवी भक्तों का भारी जमावड़ा रहा। यहाँ के मामा ललिता देवी मंदिर पर तो भोर होते ही दर्शन पूजन का क्रम शुरू हो गया था। इस दौरान भक्तों द्वारा कन्या भोज कराया गया और हवन कुंड में आहुति दी गई। इस मौके पर मंदिर प्रबंधक बमशंकर दीक्षित ने माता को 56 भोग का महाप्रसाद अर्पित किया। इसके बाद पुजारी लाल बिहारी शास्त्री द्वारा माँ देवी की महाआरती की गई। सीतापुर के परियोजना निदेशक गजेंद्र बहादुर सिंह ने महमूदाबाद ब्लॉक में मनरेगा से कराए गए विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान पीढ़ी ने टीम सहित कंडी, चांदपुर, छंगापुर, धर्मपुर, बनवारीपुर, बेहटी और शेखपुर आदि गांवों में अमृत सरोवर इंटरलॉकिंग और नाली निर्माण आदि कार्यों की गुणवत्ता परखी। इस मौके पर बीडीओ शीश गुप्ता और अन्य ब्लॉक कर्मचारी मौजूद रहे। 17 अप्रैल को रामनवमी के पावन अवसर पर सीतापुर के आर्यनगर स्थित श्री सीताराम मंदिर पर भव्य उत्सव आयोजित किया गया। श्री सीताराम मंदिर समिति के उपाध्यक्ष आशीष शास्त्री ने बताया कि इस दौरान प्रभु श्री राम का प्रकट उत्सव, श्रृंगार आरती और आतिशबाजी की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रभु की पूजा के बाद 1.25 क्विंटल लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा। इस मौके पर श्रृंगार आरती की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में हो जाएगी, जबकि प्रकट उत्सव दोपहर 12 बजे होगा। इसी के साथ कन्या भोज और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आशीष शास्त्री ने बताया शाम को भजन संध्या के साथ प्रभु की महाआरती और मथुरा वृंदावन की झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी। नवरात्र अष्टमी के मौके पर लहरपुर क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों में माता के अष्टम रूप महागौरी की पूजा अर्चना की गई और कन्या भोज पर भोग लगाया गया। इस दौरान नगर के पूर्विन देवी मंदिर और केसरीगंज के देवी मंदिर पर सुबह से ही भारी भीड़ रही। केसरीगंज में मंदिर पर जय माता दी युवा जागरण समिति द्वारा आयोजित श्रीमद भागवत कथा में प्रवचन करते हुए कथा व्यास पंडित अखिलेश महाराज ने श्रीकृष्ण और सुदामा की मित्रता का प्रसंग सुनाया। महमूदाबाद के श्री शंकरा देवी धाम में चल रहे 15 दिवसीय मेला महोत्सव के दौरान आरती के बाद फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें विभिन्न देवी देवताओं का रूप रखकर बच्चों ने सबका मन मोह लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक आशा मौर्य मौजूद रहीं। उन्होंने धाम के विकास में पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। समिति संरक्षक डॉक्टर ए मणिमिश्रा, अध्यक्ष आर के वाजपेयी, त्रिलोकीनाथ मौर्य, मेला मैनेजर अशोक नाग,
राम कश्यप और कृतार्थ मिश्रा आदि ने विधायक सहित अन्य अतिथियों का स्वागत किया। समिति अध्यक्ष आर के वाजपेयी ने बताया कि 17 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर धूमधाम से रामोत्सव मनाया जाएगा। मोहनलालगंज लोकसभा सीट से सांसद एवं भाजपा प्रत्याशी कौशल किशोर ने लोकसभा क्षेत्र के मंडल मऊ में भ्रमण कर जनसंपर्क किया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी कौशल किशोर ने एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहे, इसलिए कमल खिलाना जरूरी है। इस मौके पर विधायक अमरेश रावत, दिनेश तिवारी, वीरेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व विधायक चंद्रा रावत, हरिओम पटेल और नागेश्वर द्विवेदी मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। पीएन सहगल इंटर कॉलेज कनवाखेड़ा सीतापुर, एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2024-25 फॉर क्लास 9th and 11th। ट्रेन्ड हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। कॉन्टेक्ट नाउ फॉर योर चिल्ड्रंस ब्राइट फ्यूचर। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर में एक व्यक्ति जिस कॉलेज में पढ़ते कक्षा 7 की परीक्षा में 3 बार फेल हुआ, उसी व्यक्ति को फर्जीवाड़ा करके उसी कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नौकरी करते पकड़ा गया। इस मामले में संबंधित पर ईसानगर थाने में केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि अनंत राम वाजपेयी ईसानगर के पब्लिक इंटर कॉलेज में कक्षा 7 में 3 बार फेल हुआ, जिसके बाद उसने ईसानगर के लाखुन स्थित बेसिक विद्यालय से कक्षा 8 पास का अंक पत्र तैयार करा लिया। यही नहीं, फर्जीवाड़े के जरिए पब्लिक इंटर कॉलेज में नौकरी हासिल कर ली। वह 1985 से नौकरी कर रहा था, अब जाकर उसका फर्जीवाड़ा उजागर हुआ तो उसके विरुद्ध केस दर्ज किया गया। लखीमपुर में प्रभारी निरीक्षक पुष्पराज कुशवाहा के नेतृत्व में थाना मजगई की पुलिस टीम ने अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस दौरान हुलासी पूर्वा निवासी रामचंद और गुड्डू को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 20-20 लीटर अवैध शराब, 4 किलो यूरिया, शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। मौके से बरामद करीब 5 क्विंटल लहन भी बरामद की गई है, जिसे वहीं पर नष्ट कर दिया गया है। इस पुलिस टीम में SSI कमरुद्दीन खान और आरक्षी पवन कुमार, सुभाष चंद तथा रामदयाल शामिल रहे। धौरहरा लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी श्याम किशोर अवस्थी का गांव में ग्रामीणों को पैसे बांटने का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि आई इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन कहा जा रहा है बसपा प्रत्याशी वोटरों को लुभाने के लिए 500 के नोट बांटते कैमरे में कैद हुए हैं। मामला सोशल मीडिया की सुर्खियां बनने के बाद होने वाली कार्रवाई की आशंका को देखते हुए बसपा प्रत्याशी ने आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है वह अग्नि पीड़ितों की मदद करने पहुंचे थे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर लखीमपुर के DS कॉलेज में पीठासीन और मतदान अधिकारी प्रथम को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान पहली पाली में कोट संख्या 2001 से 3000 तक तथा दूसरी पाली में 3001 से 4000 तक के कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। CDO और प्रशिक्षण प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम पाली में 63 तथा दूसरी पाली में 79 कार्मिक गैर हाजिर रहे तथा इस दौरान प्रथम दिन गैर हाजिर रहने वाले कार्मिकों में से 10 ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। लखीमपुर के गोला गोकर्णनाथ में DM महेंद्र बहादुर सिंह ने ऐतिहासिक चैती मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला, रिंकू और अधिशासी अधिकारी रत्नाकर मिश्रा सहित सभी सभासद मौजूद रहे। मेले का शुभारंभ ब्रजेश तिवारी और उनकी टीम द्वारा सुंदरकांड के पाठ से किया गया। इस दौरान CEO अजेंद्र यादव, धर्मेंद्र गिरी, सुशील कश्यप, आनंद सोनी, नसरीन दानिश शाहिद, अनिल गुप्ता, राजेश अवस्थी, संदीप वर्मा, अमित श्रीवास्तव, राम सिंह, अरविंद कुमार आदि मौजूद रहे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तथा लखीमपुर लोकसभा सीट से पुनः भाजपा प्रत्याशी अजय मिश्र टेनी का जनसंपर्क अभियान जारी है। इस कड़ी में उन्होंने मैलानी में अपने चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। इसके बाद उन्होंने क्षेत्र के रुकनुद्दीनपुर, रजागंज, बरगदिया, सुआबोज और पलिया खुर्द में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए मोदी योगी सरकार की योजनाओं का बखान करते हुए अपने लिए समर्थन मांगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे लोकसभा निर्वाचन से जुड़ी सभी ताजा अपडेट के लिए, आप देखते रहिए खबरनामा। रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ, वंश कोल्हू तेल से ही मिलेगा यहीं। और अब कुछ खबरें निर्वाचन से संबंधित भी आपको सुनाते हैं। सीतापुर में चल रही लोकसभा चुनाव की तैयारियों के क्रम में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज सिंह ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए
विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए। बीओ ने कहा कि पोलिंग पार्टी रवाना होने से पहले उनके रवानगी स्थल की सारी व्यवस्थाएं समय से पहले पूरी कर ली जाएं और जिन सेक्टर मजिस्ट्रेट के वाहनों में जीपीएस नहीं लगे हैं उनमें जीपीएस लगा दिए जाएं और इस कड़ी में जो भी गाड़ी खराब हो उसको सही करा लिया जाए। डीएम ने प्रेक्षकों के ठहरने के स्थानों को दुरुस्त कराने के निर्देश देते हुए कहा कंट्रोल रूम में प्राप्त होने वाली शिकायतों का सही निस्तारण करते हुए शिकायतकर्ता से अवश्य बात कर ली जाए। इस बैठक में सीडीओ निधि बंसल, एडीएम नीतीश कुमार सिंह, नगर मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी, प्रशिक्षु आईएएस और संयुक्त मजिस्ट्रेट नितिन सिंह तथा अतिरिक्त मजिस्ट्रेट राखी वर्मा सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। लोकसभा निर्वाचन में पहले और दूसरे चरण के चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सीतापुर का पुलिस बल अहम भूमिका निभाएगा। इसी कड़ी में सीतापुर से पुलिस बल को संबंधित जिलों के लिए रवाना किया गया है। इस मौके पर एसपी चक्रेश मिश्रा ने जवानों को उनके अधिकार और कर्तव्यों का पाठ पढ़ाया। ब्रीफिंग के बाद सभी जवानों को अल्पाहार और फर्स्ट एड किट प्रदान की गई। 12 बसों के जरिए सीतापुर के 27 उप निरीक्षक, 466 आरक्षी चुनाव ड्यूटी के लिए रवाना हुए। इनके वाहनों को एसपी चक्रेश मिश्रा ने हरी झंडी दिखाई। जिले के सीएफओ सुभाष सिंह को पुलिस बल का पर्यवेक्षण अधिकारी बनाया गया है। इस मौके पर एसपी दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह, एएसपी उत्तरी प्रकाश कुमार, सीओ सदर सतीश चंद शुक्ला, सीओ तेज बहादुर सिंह और आरआई शिव बालक वर्मा भी मौजूद रहे। इन जवानों के कंधे पर पहले सहारनपुर और फिर मेरठ में शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी होगी। सीतापुर में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। यहां की 3 सीटें सीतापुर धौराराम मिश्रिक का चुनाव चौथे चरण में होना है। इसके लिए 18 अप्रैल से नामांकन शुरू होंगे और 13 मई को मतदान कराया जाएगा, जबकि मोहनलालगंज सीट का चुनाव 5वें चरण में होना है। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई को मतदान कराया जाएगा। जिले में मतदान के बाद ईवीएम को सुरक्षित रखने के लिए 11वीं वाणी पीएससी में स्ट्रांग रूम मतगणना स्थल बनाए जाएंगे। इसकी तैयारियों के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी अनु सिंह, पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा, प्रशिक्षु आईएएस नितिन सिंह ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान सीडीओ निधि बंसल, एडीएम नीतीश कुमार मौजूद रहे। सीतापुर के जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज सिंह के निर्देश पर स्वीप सेल द्वारा लोकतंत्र में मतदान का महत्व विषय पर युवा संसद का आयोजन किया गया। सेक्रेटहार्ट इंटर कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम में 33 विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इस दौरान प्रखर सहाय ने सभापति और अनुष्का श्रीवास्तव तथा साहिना अंसारी उपसभापति की भूमिका का निर्वहन किया। युवा संसद के सत्र में मतदान से जुड़े 10 विषयों पर चर्चा की गई। इस पर पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से विचार रखे गए। चर्चा के बाद लोकतंत्र में 100% मतदान से ही राष्ट्र का समुचित विकास संभव है। विषय प्रस्ताव को सर्वसम्मत से पारित किया गया। निर्णायक मंडल ने राजकीय डिग्री कॉलेज खैराबाद की श्रुति तिवारी को प्रथम, सीतापुर शिक्षण संस्थान की प्रतिभा सिंह को द्वितीय, गौरीशंकर महाविद्यालय के रंजीत वर्मा को तृतीय स्थान दिया है। डीओ अनुज सिंह ने विजेताओं को पुरस्कृत करते हुए कार्यक्रम को सराहा। इस कार्यक्रम के दौरान सीडीओ निधि बंसल ने मतदाताओं को शपथ दिलाई। इस युवा संसद का आयोजन डीआईओएस राजेंद्र सिंह तथा बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह के निर्देशन में तथा राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रविंद्र सिंह की अध्यक्षता में बनी समिति द्वारा किया गया। इस समिति में आरएमपी डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव, राजकीय महाविद्यालय महमूदाबाद की प्राचार्य डॉक्टर सीमा तथा सेक्रेट हार्ट डिग्री कॉलेज के जंतु विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर योगेश चंद दीक्षित शामिल रहे। निर्णायक की भूमिका में जीआईसी प्रधानाचार्य अनिल परिहार, विशाल पांडे और रविंद्र विश्वकर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम का समन्वय और संचालन राज शर्मा और डॉक्टर योगेश चंद दीक्षित ने किया। इस दौरान प्रशिक्षु आईएएस नितिन सिंह, डीआईओएस राजेंद्र सिंह, बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह, जीजीआईसी प्रधानाचार्य अनिल कुमार मौजूद रहे। यूपी रोडवेज की बसों में सीतापुर से सफर करने वालों के लिए सावधान करने वाली खबर है। जिले के रोडवेज बेड़े से 19 बसें गैर जिलों में चुनाव कराने के लिए भेजी जा चुकी हैं। अगली खेप में 20 अप्रैल को 16 और बसें चुनाव ड्यूटी में जाएंगी। इनमें से अधिकांश बसें दिल्ली रूट की हैं, लिहाजा अगर आप बस के जरिए दिल्ली की यात्रा करना चाहते हैं तो पहले से पूरी जानकारी और सीट की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें, अन्यथा आपको मारामारी का सामना करना पड़ सकता है। सीतापुर डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक राकेश कुमार ने बताया कि निर्वाचन ड्यूटी में बसों को भेजे जाने से मुसाफिरों को दिक्कत ना हो, इसके लिए सभी बसों के फेरे बढ़ाए गए हैं। डिपो को 8 नई बसें भी प्राप्त हो गई हैं। सीतापुर में लोकसभा निर्वाचन को लेकर मतदान कार्मिकों का प्रथम प्रशिक्षण 16 अप्रैल को आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण खैराबाद के जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में 2 पालियों में दिया गया। डीडीओ सहायक प्रभारी अधिकार मतदान कार्मिक
हरिश्चंद्र प्रजापति ने बताया कि इस मौके पर दो पालियों में कुल 2400 पीठासीन अधिकारियों को प्रशिक्षण लेना था, इनमें से 49 गैर हाजिर रहे। सीतापुर के जिला सूचना अधिकारी लाल कमल ने गैर जनपदों से सीतापुर में कार्यरत पत्रकारों के लिए जरूरी सूचना जारी की है। इसमें उन्होंने कहा है कि ऐसे पत्रकारगण अगर अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं तो वह इसकी सूचना उन्हें या जिला सूचना कार्यालय में दे, ताकि इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जा सके। और अब कुछ खबरें उत्तर प्रदेश से। काफी रूठने मनाने के बाद सपा और कांग्रेस की गठबंधन गाड़ी पटरी पर आई। अब दोनों दलों के नेता समन्वय भी नहीं बना सके कि एक बार फिर दोनों के बीच खटपट होने की आशंका पैदा हो गई है। इस बार मामला यूपी में 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव का है। इनमें से 3 सीट पर सपा ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। सपा ने ददरौल से पूर्व मंत्री अवधेश वर्मा, गैसरी से राकेश यादव, दुद्धी से पूर्व विधायक विजय गौड़ को टिकट दिया है। इसके बाद लखनऊ पूर्व सीट पर कांग्रेस ने मुकेश सिंह चौहान को अपना प्रत्याशी घोषित करते हुए इस सीट पर अपना दावा कर दिया है, तो सपा ने कांग्रेस के इस दावे का खंडन कर दिया है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का दावा है कांग्रेस की ओर से 3 सीटें सपा को दी गई हैं, जबकि सपा ने सीट कांग्रेस को छोड़ी है। दूसरी ओर सपा के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए है। बोर्ड एग्जाम न पास कर पाने वाले विद्यार्थियों की राहत भरी खबर है। अब उन्हें फेल होने की स्थिति में फिर से स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा और नियमित छात्र ही माना जाएगा। शिक्षा मंत्रालय इस नए बदलाव की तैयारी कर रहा, कहा जा रहा जल्द ही यह नियम लागू हो सकता है। यह नियम सभी राज्यों के लिए होगा। इसके अंतर्गत 10वीं या 12वीं में फेल होने वाले विद्यार्थियों को नियमित छात्र की तरह सुविधाएं मिलेगी, उन पर एक्स स्टूडेंट का थप्पा नहीं लगेगा। नई व्यवस्था में सबसे खास बात होगी, अगर कोई विद्यार्थी अगली साल परीक्षा पास कर लेता है तो उसके प्रमाण पत्र पर यह नहीं लिखा होगा कि उसने दूसरे प्रयास में पास किया है, वह एक बार फेल हो चुका है। दरअसल शिक्षा मंत्रालय 10वीं और 12वीं में फेल होने वाले विद्यार्थियों में से अधिकांश द्वारा पढ़ाई छोड़ देने से चिंतित हैं। यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट को सपा का गढ़ कहा जाता है। लंबे समय से सपा का इस सीट पर चला आ रहा कब्जा इसकी गवाही देता है। मौजूदा सांसद डिंपल यादव एक बार फिर चुनाव मैदान में है। दावा किया जा रहा है कि इस बार कड़े मुकाबले में फंस गई भाजपा ने यूपी के मंत्री और मैनपुरी सदर सीट से विधायक ठाकुर जयवीर सिंह को उतारकर सपा खेमे में हलचल मचा रखी है। इस बीच बसपा ने अपना प्रत्याशी बदलकर सपा की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। बसपा ने यहां से गुलशन देव शाक्य को प्रत्याशी घोषित किया था, अब उन्हें बदलकर एक स्थानीय यादव नेता शिव प्रसाद यादव को टिकट दिया है। इसे डिंपल यादव को उनके अपने समाज में कमजोर करने का प्रयास माना जा रहा है। बसपा ने यूपी में अपने लोकसभा प्रत्याशियों की 5वीं सूची जारी कर दी। इसमें 11 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। वाराणसी सीट पर पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ अतहर जमाल लारी को प्रत्याशी बनाया गया है। बाहुबली धनंजय सिंह की धर्मपत्नी श्रीकला सिंह रेड्डी को जौनपुर का प्रत्याशी बनाया गया है। बदायूं से मुस्लिम खां, बरेली से छोटेलाल गंगवार, सुल्तानपुर से उदयराज वर्मा, फरुखाबाद से क्रांति पांडे, बांदा मयंक द्विवेदी, गाजीपुर से उमेश कुमार सिंह, डुमरियागंज से ख्वाजा शमसुद्दीन और बलिया से लल्लन सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं मैनपुरी से घोषित प्रत्याशी गुलशन देव शाक्य को बदलकर उनके स्थान पर शिव प्रसाद यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। मौसम विभाग द्वारा इस बार अधिक गर्मी पड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। दावा है कि इस बार अप्रैल के आखिरी सप्ताह से लेकर पूरे जुलाई तक हीट वेव यानी लू चलने की संभावना है। मौसम के बदलाव से मौसम वैज्ञानिक चकित हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब अप्रैल के महीने में पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी क्षेत्र में कहीं बारिश तो कहीं ओलावृष्टि हो रही है। कहा जा रहा है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से एक साथ उठने वाली हवाएं अपने साथ नमी ला रही हैं और वातावरण में फैलकर गर्मी बढ़ा रही हैं। इससे तापमान कम होने पर भी तपिश का असर ज्यादा महसूस हो रहा है। चुनावी मौसम में गुटबाजी से हर पार्टी परेशान है। अपने को सर्वाधिक अनुशासित कहने वाली भाजपा भी इससे अछूती नहीं है। ऐसा ही एक मामला का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें मंत्री के सामने भाजपा नेता जूतम पैजार करते नजर आ रहे हैं। हालांकि आई इंडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन यह वीडियो अमरोहा के जोया रोड स्थित भाजपा कार्यालय का बताया जा रहा है। कहा जा रहा भाजपा के मेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्यालय के तहत यूपी सरकार के काबीना मंत्री ब्रजेश सिंह यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। इस दौरान जिलाध्यक्ष उदयगिरी गोस्वामी, जिला उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार, महामंत्री राकेश वर्मा और मीडिया प्रभारी रमेश कलाल मौजूद थे। प्रेस वार्ता शुरू होने से पहले ही उपाध्यक्ष और मीडिया प्रभारी में कहासुनी होने लगी, जो देखते देखते लात घूसों तक पहुंच गई।
यूपी के 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने ददरौल से अरविंद सिंह, लखनऊ पूर्व से ओपी श्रीवास्तव, गैसरी से शैलेंद्र सिंह शैलू और दुद्धी से श्रवण गोंड को प्रत्याशी बनाया है। मुरादाबाद लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी रुचिवीरा को मंच से आक्रामक होना भारी पड़ गया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को धमकाने के मामले में रुचिवीरा और सपा जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव सहित 5 पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं। बता दें, अभी एक दिन पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मुरादाबाद में जनसभा आयोजित की गई थी। मौसम खराब हो जाने के चलते सपा प्रमुख इसमें नहीं पहुंच सके थे। इस सभा के मंच से रुचिवीरा ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को भाजपा के एजेंट की तरह काम करने का आरोप लगाते हुए औकात में रहने की भी धमकी दे डाली थी। बताया जा रहा है, इसी का वीडियो देखने के बाद केस दर्ज किया गया है। मोबाइल फोन रखने वालों के लिए बड़ी खबर है। भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय ने पूरे देश में कॉल फॉरवर्डिंग की सुविधा बंद कर दी है। ऑनलाइन धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। दूरसंचार विभाग ने सभी निजी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को इसका निर्देश जारी कर दिया है। चुनावी मौसम में कब कहां किसकी निष्ठा बदल जाए, कहां नहीं जा सकता, हर रोज आया राम गया राम का सिलसिला जारी है। अब इसी कड़ी में कानपुर के पूर्व विधायक गणेश दीक्षित ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा का कमल थाम लिया है। वह 1989 में छावनी सीट से विधायक चुने गए थे। उनके साथ कानपुर देहात क्षेत्र के कई दूसरे नेता भी भाजपा में शामिल हुए। क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने भाजपा का पटका पहनाकर सभी का स्वागत किया। इस दौरान कानपुर से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी रमेश अवस्थी और अकबरपुर के प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले मौजूद रहे। भाजपा पर उसके विरोधी दल वॉशिंग मशीन होने का आरोप लगाते रहते। उनका कहना रहता है कि कितना भी बड़ा गुनहगार हो, भाजपा ज्वाइन कर ले तो वह पाक साफ हो जाता है। एक ऐसा ही मामला गाजियाबाद में हुआ तो नीचे से ऊपर तक हड़कंप मच गया। दरअसल 16 मुकदमों में आरोपी लोनी से बसपा के सभासद गुलजार अलवी ने भाजपा ज्वाइन की थी। उसे भाजपा के जिला अध्यक्ष और विधायक नंद किशोर गुर्जर तथा लोकसभा प्रत्याशी अतुल गर्ग ने ज्वाइनिंग कराई थी। इस ज्वाइनिंग का वीडियो वायरल होते ही पार्टी में खलबली मची। कहा जा रहा है, इसे लेकर जिला अध्यक्ष को प्रदेश से झाड़ पड़ी। इसके बाद अब 24 घंटे में ही सफाई सामने आ गई है। भाजपा की ओर से पत्र जारी किया गया है कि वह भाजपा का सदस्य नहीं है। बस उसे अतुल गर्ग के स्वागत में पटका पहना दिया गया था। यूपी की रामपुर जो सपा का गढ़ कहा जाता है, आज हालात यह है कि सपा अपने इस गढ़ में बुरी तरह से फंसी नजर आ रही। इसकी वजह सपा के बड़े नेता और सीतापुर जेल में निरुद्ध आजम खान की नाराजगी को बताया जाता है। दरअसल सपा ने यहां पर आजम के करीबी आसिम रजा को लोकसभा प्रत्याशी न बनाकर उनकी जगह पर मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को प्रत्याशी बनाया है। चर्चा है, इससे नाराज होकर आजम खान के समर्थक बसपा के लिए प्रचार कर रहे हैं। अब इसी से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है। आजम खान की गली से बसपा प्रत्याशी जीशान खान का रोड शो निकल रहा था। इस दौरान एक बैनर पर आजम खान के साथ उनकी पत्नी और बेटे का फोटो लगा हुआ था और आजम खान जिंदाबाद लिखा हुआ था। कहा जा रहा, रोड शो में आजम खान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। धौरहरा से सपा प्रत्याशी आनंद भदौरिया ने लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत मोहली विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। इस दौरान सपा के विधानसभा अध्यक्ष रमेश चंद शुक्ला द्वारा बावली, सरोसा, सहसपुर, वजीरनगर, गुणसंडा, बहादुरपुर, सहुआपुर, सेजखुर्द, बरगावा और सोतियापुर आदि स्थानों पर नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया गया। इन्हें संबोधित करते हुए सपा प्रत्याशी ने भाजपा को झूठ बोलने वाली पार्टी बताया और इलेक्टोरल बांड के मुद्दे पर घेरा। इन सभाओं में पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, कांग्रेस के सुधीर पांडे, संजय सिंह, कपिल मिश्रा, अरुण दीक्षित, मोनू रामबेटी, श्रवण राजवंशी, दिलशाद, विपिन राठौर और शिवा मारिया मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर स्प्राइट पब्लिक स्कूल, टेढ़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर।